बढ़ेंगे आगे रांची से बड़ी खबर। आईएएस राज्य विकास से ईडी की पूछताछ जारी। बड़ी खबर रांची से, आईएएस राज्य विकास से ईडी की पूछताछ जारी। दूसरे दिन भी इका से ईडी की पूछताछ जारी है। लगभग सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे इका, और कल भी करीब 10 घंटे की इका से पूछताछ हुई थी। देखिए आईएएस अधिकारी राज्य विकास से आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है, और पूछताछ के लिए आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का दूसरे दिन भी ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां वो लगभग 11 बजे पहुंचे, जहां ईडी के सवालों से एक्का का सामना हुआ है, और बीच में राजीव एक्का लंच के लिए बाहर निकले, जिसके बाद अब दोबारा एक्का से पूछताछ जारी है। तो देखिए बता दें आपको कि सोमवार को भी उनसे पूछताछ की गई थी। लगभग 10 घंटे की पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनके और विशाल चौधरी के बीच के संबंधों के बारे में पूछताछ की थी। ईडी ने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि वे विशाल चौधरी के घर पर आखिर क्या कर रहे थे। तो विस्तार से जानकारी देने के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ गया है। सूरज, राजीव एक्का से आज दूसरे दिन भी पूछताछ लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है और कल की पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से लगातार पूछताछ जारी है। लक्ष्मी, आपने देखा कल भी राजीव अरुण एक्का से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई, और आज भी 7 यानी 8 घंटे से लगातार पूछताछ चली। हालांकि बीच में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उन्हें लंच ब्रेक का जो टाइम था, उन्हें लंच के लिए समय दिया गया था, 1 घंटे तक वो लंच पर थे। लेकिन उसके बाद लगातार 3 बजे से लेकर अब तक लगातार राजीव अरुण एक्का से पूछताछ जारी है। हालांकि आपने देखा कि जिस तरह से जो वायरल वीडियो सामने आई थी, और जिस तरह से अपने करीबी विशाल चौधरी के घर में जिस तरह से उनके दफ्तर में फाइल निपटाते हुए नजर आए, तो उस तमाम मामलों को लेकर तमाम पहलुओं से बारीकी से ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है। हालांकि जो अगर कल की अगर पूछताछ की बात करें, तो राजीव अरुण एक्का ने साफ कहा कि उनसे हमारी पुरानी जान पहचान यानी पुरानी दोस्ती है, तो कुछ जानकारियां वो हमसे हासिल कर रहे थे, वो जानकारियां मैं अपने तरफ से दे रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह का कोई सरकारी कामकाज उसके दफ्तर से नहीं कर रहा था, इस तरह की उन्होंने सफाई दी। हालांकि देखिए आज भी लगातार राजीव अरुण एक्का से लगातार पूछताछ जारी है। अभी देखना कि आज क्या कुछ खास पूछताछ के दौरान चीजें सामने आती, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजीव अरुण एक्का से पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ी हुई बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, और इससे कई लोग हैं जिनके ऊपर ये आंच गिर सकती है। लेकिन अब तक जो सामने आई है पूछताछ के दौरान, उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि राजीव अरुण एक्का ने अपनी सफाई में यह कहा कि उनसे हमारी पुरानी जान पहचान है, और किसी भी तरह का कोई सरकारी कामकाज उनके दफ्तर पर नहीं निपटाया जा रहा था। लेकिन यह कह सकते हैं कुल मिलाकर अभी तक कल और आज की अगर हम बात करें लक्ष्मी, तो टोटल 16 घंटे हो चुके हैं, 16 घंटे से लगातार पूछताछ यहां पर चल रही है। आपने देखा कल 10 घंटे तक लगातार ईडी दफ्तर में, आज दूसरे दिन भी राजीव एक्का से पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा। आप देखने वाली बात होगी कि आज भी पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल सूरज, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।